जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों आपराधिक घटनाओं का ग्राफ काफी बढ़ गया है। आपराधिक बेलगाम होकर हत्या जैसे संगीन अपराध को घटना को अंजाम देने में कोई डर नहीं दिखा रहे हैं। इसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है और पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर शनिवार की शाम बड़का गांव विधायक प्रतिनिधि विवेका बाबड़ी की सरेआम अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल गुस्साए लोगों ने शव के साथ पतरातू गुरकुंडा मार्ग को सौंदा बस्ती के पास जाम कर दिया और टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इधर जाम कर रहे लोगों को पुलिस ने काफी समझाने का प्रयास किया, पर आक्रोशित लोगों ने शव को उठाने से मना कर दिया। इनका कहना था कि जब तक प्रशासन पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी व 10 लाख मुआवजा राशि आवास के साथ मृतक की विधवा को पेंशन का आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक शव को उठने नहीं दिया जाएगा। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ। सौंदा बगीचा हत्या को लेकर आक्रोशित भीड़ द्वारा किसी तरह का हिंसात्मक रूप धारण ना कर ले, इससे निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को लगाया गया। इधर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने पुलिस की कार्यशैली पर खुलकर भड़ास निकालते हुए हत्या की सीबीआई जांच की मांग की गई। रात दर्पण न्यूज के लिए रामगढ़ झारखंड से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। राजकिशोर बावरी नाम का आदमी था, उसे तीन व्यक्ति एक बाइक पर आए अज्ञात व्यक्ति और उन्हें लगभग 7 गोली मारे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी। करवाई करते हैं हम लोग। अपराधी कौन लोग थे इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई। हमला हुआ है, हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे जेल भेजने के मामले हो चाहे गोली मारने के मामले हो। और इस क्षेत्र में जब से पीयूष पांडे जैसा एसपी आया हुआ है तब से क्राइम बढ़ा हुआ है। यहाँ अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और 50-50 का रेशियो में यहाँ खेल चल रहा है। पैसा वसूली में 50-50% पुलिस को जा रहा है, 50% अपराधी को जा रहा है। और अगर एसपी को नहीं हटाया गया तत्काल में तो एक जन आंदोलन करेंगे और झारखंड विधानसभा में धरना पर बैठेंगे और विधानसभा में माननीय विधायक मामला को उठाएगी, क्योंकि सीबीआई से जांच करके जल्दी उद्भेदन अगर नहीं हुआ तो ये सरकार के खिलाफ भी बिगुल फूकेंगे और सरकार की छवि को धूमिल जो करने का प्रयास कर रहा है उसको भी देखेंगे।